एक्सक्यूज मी मैम, आप जरा वहाँ खड़े होइए। सॉरी मैम, जरा आप वहाँ खड़े होइए। आप चले जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम है? मैम मेरी पर्सनल बात हो रही है। हाँ तो आप वहाँ पे जाके कर लो, आपको अगर इतनी प्रॉब्लम है तो। मैम मैं पहले से इधर ही खड़ा था, आप जाइए। अब पहले से यहाँ पे खड़े हो आप, कल रात को आके यहाँ खड़े हो जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहाँ जाके खड़े हो जाओ। अरे मैम मैं बात कर रहा था, पहले मेरी पर्सनल बात चल रही है, आप जाइए ना। कोई बात नहीं, पर्सनल बातें चल रही तो आप वहाँ जाके कर लो। आपको प्रॉब्लम है मेरे खड़े चले जाओ प्लीज। मेरे खड़े होने से प्रॉब्लम है आपको? मैम प्रॉब्लम है मेरे को। क्या प्रॉब्लम है और आपको? अरे मैम मेरे को प्रॉब्लम है, आपको क्यों बताऊं मैं, मेरी प्रॉब्लम है ना। तो आप बोल रहे हो ना मुझे कि मैं। अरे मैम आप चले जाओ, मेरे को प्रॉब्लम है, पर्सनल बात हो रही है। मैम आप प्लीज चले जाओ। आपको जब इतनी ही पर्सनल बात करनी है तो आप चले जाओ, आप वहाँ जाके बात कर लो, नीचे जाके बात कर लो, वहाँ जाके बात कर लो। नहीं मैम मेरे को यहाँ कंफर्टेबल है, मैं इधर ही खड़ा हूँ, नहीं जा रही हूँ। मैम दस टेंशन है मेरे ऊपर, आप चले जाओ प्लीज। इतने बेवकूफ लोग आ चुके हैं माँ। अरे मैम प्लीज, मैंने आपको बेवकूफ बोला क्या? अरे तो मैम मैं पर्सनल, आप बेवकूफ किसे बोल रहे हो? आप पब्लिक प्लेस पे खड़े हो, मेरी बात सुनो, पब्लिक प्लेस पे खड़े हो, पब्लिक प्रॉपर्टी है ना ये, तो आपकी तो मैं खड़ा था ना। अरे खड़े हो फिर, बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या कि जहाँ पे तुम खड़े हो के बात करोगे वहाँ पे कोई खड़ा नहीं हो सकता, और तुम बेवकूफ बोल रहे हो? क्योंकि मैं क्यों बेवकूफ बोल रहे हो? और आप आके बात सुन रहे हो? हाँ ठीक, मैं तुम्हारी बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हो तुम, चाहे कुछ भी बात कर रहे हो, मेरे को क्या लेना देना। अरे मैम प्लीज चले आओ। देखो आप जिस भी वजह से ना इस तरीके के मूड में हो ना, वो मुझे उससे मतलब नहीं है। और आप इस तरीके से बेवकूफ किसी को क्यों बोल रहे हो बेवकूफ भाई? तो मैम आप मेरी बात सुन रहे हो इसलिए। मैं आपकी तो बात कर रहा था। क्या बात कर रहे हो? नहीं बात कर रहा हूँ मैं, इंटरेस्टेड नहीं। आपको क्यों बताऊँ क्या बात कर रहा हूँ? मैं आपकी बात में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ कि आप क्या बात कर रहे हो, समझ में आया आपको? और आप इस तरीके से बेवकूफ ना। मैम मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज चले जाइए। तो प्रॉब्लम में तुम हो तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी वजह से हो तुम प्रॉब्लम में, नहीं ना तुम्हारी प्रॉब्लम है वो कि तुम किस वजह से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है तो मैं बात कर रहा हूँ। किसी को बेवकूफ भी बोलो और ये उम्मीद करो कि कोई जाए। मैं बात कर रहा था फोन पे। एक आवाज नीचे करके बात करो। आवाज मैं नीचे नहीं करूंगा। नहीं करोगे? नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं पर्सनल बात कर रहा था, आप पर्सनल बात सुन रहे हो। मेरी बात सुनो, आप तमीज से बात करो। एक करता मैं, आवाज नीचे करके बात करो, ठीक है ना? नहीं करता मैं, ऐसे ही बात करूंगा। किस तरीके से बात करोगे? ऐसे ही करता हूँ मैं। किस तरीके से बात? ऐसे जिस तरीके से अभी बात करो। नहीं करोगे? ऐसे नहीं करोगे? क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैं बोल रही हूँ। आप इस तरीके से बोलने से क्या होता है, आप क्या बोलोगे? आप आके बातें सुन रहे हो लोगों की। तुम कहेंगे पीएम हो कि मैं तुम्हारी बातें सुनूंगी? मैम पीएम नहीं, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा था। एक मिनट चुप रहो, पर्सनल 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 लगा रखा है। एक तो ना जिस तरीके से आप बात कर रहे हो ना, एक तो तमीज में बात कर लो। नहीं मैम मैं नहीं कर सकता तमीज में बात, मैं ऐसे ही करूंगा। आप अपने घर में भी ऐसे ही बात करते हो? हाँ मैं ऐसे ही करता हूँ जब मैं गुस्सा होता हूँ बस। और तो तुम गुस्सा हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम मेरे पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? तुम मेरे को पागल बोल रहे हो? तो आप आके खड़े हो गई इसलिए मैं गुस्सा उतार रहा हूँ। आवाज नीचे करके बात कर लो, बार बार बता रही हूँ मैं नहीं करूंगा आवाज नीचे। क्यों आप आके यहाँ खड़े हो? देख रहा था ना मैं, तुम भी खड़े हो। नहीं अब मैं बात कर रही हूँ, तुम निकलो। से बात कर रहा था। अच्छा मैं बात कर रही हूँ, अब तुम नहीं निकलो। मैं जाऊंगा ही नहीं क्योंकि मैं पहले से बात कर रहा था। जबरदस्ती भगाऊंगी मैं तुम्हें। भगा के दिखाओ, सिक्योरिटी बुलाती हूँ मैं। बुला लो। अच्छा मेरी बात सुनो, कर क्या रहे हो तुम यहाँ पे? मरने आया था, मर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आपको? क्या करने आए हो? मरने आया था यहाँ से, आपको क्या करना है? तो तुम्हें मैं मरने में डिस्टर्ब कर दी? हाँ आपने कर दिया डिस्टर्ब, बस अब सुन लिया जाओ। मैं साइड हो जाती हूँ, मरो यार, मैं देखना चाहती हूँ। यार मैम जाओ मैम। हाँ मैं मरने आया था, ठीक है मैं मर जाऊंगा, पहले आप चले जाओ। मैं देखूंगी ना कैसे मरोगे तुम। क्यों? वीडियो बनाऊंगी मैं। यार आप वीडियो बनाऊंगी मैं मरने लाइफ में घुसोगे आप? पर्सनल लाइफ में कहाँ घुस रही हो तुम? मरोगे, दस लोग यहाँ आके भीड़ बना के तुम्हारी वीडियो तो बनाएंगे। कोई बात नहीं। हाँ तो मैं पहले से शूट करना चाहती हूँ। प्लीज आप चले आओ। एक मिनट सॉरी। हाँ अरे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर रही हूँ, आप मरने वाले थे ना। मैं फोन फेंक दूंगा मैम आपका। हाथ लगाना मैम, मैं सच में फेंक दूंगा फोन। फेंकना हाथ में तुम्हारे, फेंक कर बताना। अरे मैम मेरे को प्लीज मैम मत करो डिस्टर्ब, जाओ। मेरा क्या है तुम्हें, तुम फोन फेंक दोगे? तुम्हारे हाथ में फोन है, तुम्हारे पास चांस भी है फेंकने का, फेंक के बताओ। अरे मैम मत करो प्लीज मैम, चले जाओ, बंदा डिस्टर्ब है पहले से ही, चले जाओ प्लीज। फोन दिखाओ। अरे लो मैम जाओ मैम प्लीज। तुम डिस्टर्ब हो ना, तुम मरो तो। अरे तो मैं मर जाऊंगा, आप चले जाओ। वीडियो बना लूं ना मैं? अरे यार
वीडियो तो बना लो तुम्हारा। मैम प्लीज प्लीज मैम जाओ प्लीज। मेरी बात सुनो, मरने के लिए आए हो तुम? हाँ मैम मरने के लिए आया हूँ। तो मर क्यों नहीं रहे हो फिर? तो मैं मर जाऊँ ना चाहते हो, चाहे तुम कुछ भी करना चाहते हो, इससे मेरा क्या? मर जाओ तुम, मैं तो मस्त वीडियो बना के इंटरनेट पे और डाल दूंगी, 10 लोग और देख लेंगे तुम्हें, किसको तुम रोकोगे? हाँ एक बंदा मेरी बात से आया है। हाँ जी। और आपके अंदर इतनी सी है के क्या नाम है, आप वीडियो बनाओगे? हाँ तो वीडियो ही बनाऊंगी, क्या करूंगी मैं तुम्हारे मरने से? यहाँ लोगों को घंटा फर्क पड़ रहा है, किसको फर्क पड़ रहा है? मुझे फर्क पड़ रहा है? किसी और को फर्क पड़ रहा है? किसको फर्क पड़ रहा है तुम्हारे मरने से? तुम मर जाओ, मैं तो वीडियो बनाऊंगी, मेरे साथ साथ 10 लोग और तुम्हारा वीडियो बनाएंगे, यहाँ से वीडियो बनाएंगे, नीचे मर जाओगे वहाँ से वीडियो बनाएंगे तुम्हारा। क्या लग रहा है मरने आया, तुम्हें इंसानियत है तुम्हारे अंदर? तुम्हें अपनी जान की परवाह है? है अपनी जान की परवाह? तुम अपने आप से प्यार करते हो? तुमसे कौन करेगा? मैडम बस ठीक है, नहीं मर रहा मैं, ठीक है मरो ना फिर, क्या हो गया? अरे नहीं मर रहा मैं। क्यों नहीं मर रहे हो? वीडियो से डर रहे हो? क्या हो गया है फिर? वीडियो से डर रहे हो कि लोग वीडियो बना लेंगे? यहाँ पे लोग ना दूसरों की बर्बादी पे वीडियो ही बनाते हैं, मजाक बनाते हैं। तुम्हें मरने से ना यहाँ तुम्हारे माँ बाप 2 आंसू निकालेंगे, उसके अलावा यहाँ लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मुझे भी क्या फ़र्क पड़ता है, कौन हो तुम मेरे? आए दिन दुनिया में कितने सारे लोग मरते रहते हैं, तुम्हें क्या लग रहा है मुझे फ़र्क पड़ेगा? अरे तो मैं मरने के अलावा करूँ क्या, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया मेरा। मरना ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम मर क्यों नहीं रहे हो? तुम नहीं मरना मेरे को, नहीं मरूंगा। नहीं मरना ना तुम्हें? नहीं। तो क्यों बोल रहे थे तुम्हें मरना है? अब मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया, नहीं मर रहा मैं। ओके क्या हुआ है फिर? अरे मैं अब सुनो, आवाज नीचे करके बात करना है आपको, अगर बात करना है तो। ये कोई तरीका है बात करने का, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो? मैं तब से आपसे प्यार से बात कर रही थी। अरे मैम कोई बंदा डिस्टर्ब है अंदर से तो वो कैसे बात करेगा? तुम डिस्टर्ब हो, तुम अपनी वजह से हो, तुम डिस्टर्ब होने के लिए बने हो। क्यों मैम, प्रॉब्लम्स भी तो होती है कुछ बंदे की। वही तो मैं बोल रही हूँ, प्रॉब्लम्स भी उसी के पास जाती है ना जो उस लिए बना होता है। बाकियों के पास कहाँ है? बाकियों के पास मस्त मजे कर रहे हैं। मरना नहीं चाहता, आपके साथ इतनी प्रॉब्लम्स होगी, आप क्या करोगे? अगर मैं मरूंगी बिल्कुल नहीं। चले जाए और आप जिससे प्यार करते हो इतने टाइम से, वो आपको छोड़ के चले जाए, आप क्या करोगे? मैं मरूंगी नहीं। अरे मैम मैं भी नहीं मरना चाहता। आपके माँ बाप ने छोड़ दिया क्या आपको? नहीं, अब माता पिता है। माँ बाप का भी पैसा डुबा दिया, मैं सबका पैसा डुबा के बैठ चुका हूँ। पैसा तो कमा लोगे ना फिर से? अरे मैं जान चली जाएगी तो कमा पाऊंगा मैं खुद नहीं चाहता मैं अपनी फैमिली को छोड़ूं। जब नहीं चाहते हो चुका हूँ मैं, नहीं करना, मैं अब क्या करूँ बताओ? तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, मरना। मर जाओ ना फिर, और क्या करूँ मैं? मैं तुम्हें अगर मेरी बात सुनो, अगर मैं तुम्हें समझाऊंगी कि तुम मत मरो, तुम्हारे मरने से तुम्हारे माँ बाप को फर्क पड़ेगा, तुम मानोगे मेरी बात? नहीं ना, क्योंकि तुम्हें तो मरना है, तुम तो जिद पे खड़े हो कि तुम्हें मरना है मरना है, तो तुम मर ही जाओ। एटलीस्ट माँ बाप तो सुकून से रहोगे। सब कुछ खत्म, क्या खत्म हो गया मुझे बताओ, क्या खत्म हो गया? मैं जिससे प्यार करता था वो भी चली गई मेरे को छोड़ के। किससे करते थे तुम? अरे थी मैम एक, बस करता था उससे, बहुत प्यार करा मैंने तो, पर छोड़ के चली गई ना। हाँ तो यही होगा तुम्हारे साथ। क्या लगता है कि तुमको रोमियो बना के रखेगी कोई? अरे मैम मैं तुम क्या सोच रहे हो? ना मैं खत्म, इतना प्यार ना तुम अपने, इतना प्यार अगर तुमने अपने कैरियर से करा होता, अपने करियर से करा होता। करा था करियर से नहीं करा था ना, करियर से करा होता तो तुम्हारी आज ये हालत ही नहीं होती, तुम कहीं और होते यार। क्या करूं, मेरा सब कुछ खत्म हो गया मरने के अलावा, और कौन सा पैसे कहाँ खत्म हो गए? पैसों की बात भी कर रहे थे ना। पैसे मैंने वीजा बनवाया अपना, वीजा नकली आ गया मेरा, और मैंने कहाँ लड़की कहाँ की थी? लड़की बाहर की थी। बाहर की थी? हाँ। सोचो अगर इतना प्यार अगर आप अपने माँ बाप से किए होते, जितने पैसे का आपने वीजा बनवाया है, इतने पैसे का आप अपनी माँ के लिए कोई गिफ्ट लेके गए होते ना, आपकी माँ का जीवन सफल हो जाता, पता है आपको? अरे मैम आपको क्या बताऊँ, मैंने बहुत प्यार करा उसके ऊपर मैं सारा पैसा लुटा दिया अपना। इतना प्यार अपने माँ बाप से करो, अरे अपने करियर से करो, तुम सोच भी नहीं सकते हो वैसे ना जाने कितनी लड़कियाँ। मेरी बात सुनोगे अब कि बोलोगे? सिर्फ तुम बोल लो, मैं सुन रही हूँ। अरे मैम मैं भी अपने माँ बाप से प्यार करता हूँ, कौन अपने माँ बाप से प्यार नहीं करता? ठीक है, एक बंदे का सब कुछ खत्म हो जाता है ना जब, तो उसके पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। तुम्हारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपको एक लड़की ने छोड़ दिया है, इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा। मैं नहीं मरता। हाँ ठीक है, मैं नहीं मरता, अब मैं करूँ क्या?
आप अपने जो आप करते हो अपने करियर पे ध्यान दो। माँ बाप है आपके पास, एक लड़की आपके जीवन तो नहीं है ना, आपके माँ बाप भी तो आपसे प्यार करते हैं। आपको क्या लगता है आपके माँ बाप आपसे प्यार नहीं करते हैं? मैम बहुत करते हैं, बचपन से अब तक कितने हैं। मैं भी करता हूँ पर मैम मैं खत्म हो चुका हूँ अंदर से, मैं क्या करूँ मैम। मर जाओ फिर, मैं चली, मर जाओ तुम, मर जाओ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो तुम मर जाओ फिर। मैं तुम्हें अगर समझा रही हूँ कि तुम्हें मरना सॉल्यूशन नहीं है तो तुम्हें तो समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें अगर भूत चढ़ा है तो तुम मर के देख लो, क्या पता सॉल्यूशन हो जाए। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली भी तो मरेगी। मैं मरना नहीं चाहता मैम। क्या चाहते हो फिर तुम? अब मैं क्या करूँ, क्या है अब? कुछ हेल्प की ज़रूरत है क्या? किस तरीके का आप क्या चाहते हो कि आपकी लाइफ में क्या हो जाए कि आपको ठीक लगेगा? देखने से अच्छी खासी फैमिली से लग रहे हो, फाइनेंशियल इतनी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं, आपके माँ बाप अच्छे होंगे तभी आप यहाँ पे। मैं कितनी टेंशन दूँ अपने माँ बाप को? आप टेंशन मत दो ना, आपका मेरी बात सुनो, माँ बाप का आपने पैसा लुटा दिया है। पैसे तो कमाए भी जा सकते हैं कि नहीं कमाया जा सकता है? लोग जो पैसे कमाते हैं वो आदमी ही होते हैं ना, इंसान ही होते हैं, उनके अंदर भी खून ही होता है कि वो कुछ और होते हैं। पैसे तो कमाए जाते हैं, कमा सकते हो आप, लेकिन जो अभी लाइफ चली जाएगी ना, आपकी भी लाइफ, आप तो जाओगे ही जाओगे, अपनी फैमिली भी करके जाओगे। माँ बाप पे सोचो, किसी का जवान बेटा, इतना बड़ा बेटा किसी का मर जाए, सोचो माँ बाप के बारे में। लड़की तो फिर दूसरी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी, एक बार ज़िंदगी चली जाएगी, ये वापस नहीं आएगी चाहे कुछ भी हो जाए। सॉल्यूशन आपके ऊपर है, सोचना आपको है कि आपको मरना है या लाइफ आगे बढ़ानी है। क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो लाइफ जीने का मतलब क्या है? हर रोज़ मर मर के जीना होता है, इसी को लाइफ बोलते हैं। मर जाओगे सारा सॉल्यूशन हो जाएगा, माँ बाप भी तुम्हारे साथ मरेंगे, जीते जी मरना भी एक मरना होता है, पता है तुम्हें? तुम तो मर जाओगे, ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी कहानी, तुम्हारे माँ बाप जीते जी मरेंगे। आपको किसी भी तरीके का अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो, चलो आप हमारे साथ थोड़ी बहुत बातें चित करना, जो भी आपको बताना है वो बताना। आप बातें ठीक है करना चाहते हो बातें? मैं ऐसा इतना गुस्सा भर चुका है ना मेरे अंदर, मैं किसी से बात करना नहीं चाहता, और मैं जिससे बात करता हूँ ना, कोई बात नहीं, अभी भी बात नहीं करना चाहता तो मैं जिससे बात करता हूँ ना, मैं लड़ने लग जाता हूँ उससे, मेरे को गुस्सा आने लग जाता है, मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा। मैं अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रहा, अपने पड़ोसियों से लड़ने लग जाता हूँ मैम। मैं वो मेरे से हाय हेलो करते हैं पर मैं उनसे लड़ने लग जाता हूँ उस चक्कर में। एक काम करो, आप चलो मेरे साथ कुछ बैठ के बातें करते हैं, कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है? ओके आओ चलो, मरना तो नहीं है, इरादा चेंज है, चलो आ जाओ।